हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल में सिनेमा। शाहरुख खान 6000 करोड़, अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार 3000 करोड़, जूनियर एनटीआर 500 करोड़, ऋतिक रोशन 3000 करोड़ प्लस, सैफ अली खान 800 करोड़। हाँ, इतना सारा पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं क्या कर लेता यार। खैर, वो तो बात की बात है, बाद में कमा लेंगे हम लोग। जी हाँ गाइस, आपके ये फेवरेट सितारे एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और इतना ही नहीं, ये एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने प्राइवेट जेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और आज हम बॉलीवुड के और इंडिया के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जिनके पास प्राइवेट जेट है, जो जेट में आना जाना करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो, और अगर मन हुआ तो कॉमेंट भी कर देना यार। जूनियर एनटीआर आरआरआर से अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बिल्ड करने वाले ये एक्टर, इस एक्टर की नेटवर्थ है 500 करोड़ और आरआरआर के बाद इन्होंने बहुत सारे लोगों के दिलों पर अपना राज जमाया है। जूनियर एनटीआर साउथ के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं भाई। ये एक फिल्म करने के लिए 20 से 50 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन आरआरआर के लिए इन्होंने कितना चार्ज किया ये तो मुझे पता नहीं, आप लोग ही बताइए कॉमेंट में यार। जैसा कि मैंने बताया, इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है और इसके चलते इनके पास एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 80 करोड़ है। इस जेट को वो अपनी प्रमोशनल और पर्सनल यूज भी करते हैं, फैमिली के साथ वेकेशन वगैरह जाने के लिए। हमारे दूसरे नंबर पर हैं भाई साहब ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। टिंग 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 यार, ऋतिक रोशन की नेटवर्थ है 3100 करोड़ प्लस, और इसी के लिए इनके पास एक 7 सीटर प्राइवेट जेट है जिसकी प्राइस 84 करोड़ रुपीज है, और ये भी अपनी इस आलिशान फ्लाइट का प्रमोशनल और अपनी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। महेश बाबू साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक, ये पर मूवी के लिए 45 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और पता नहीं यार क्यों महेश बाबू बॉलीवुड में डेब्यू नहीं करते। वो बोलते हैं ना यार, मैं अपने इलाके में राजा हूँ तो मैं किसी दूसरे इलाके में जाके सेनापति क्यों बनूं। कुछ ऐसे ही सोच है महेश बाबू की। इनकी नेटवर्थ है 300 करोड़ और ये ओन करते हैं प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 90 करोड़ रुपीज है। अगले नंबर पर हमारे जकास अनिल कपूर जी, इनकी नेटवर्थ 140 करोड़ है बाबा। एक मिनट यार, ये कब से तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनकी नेटवर्थ 140 करोड़ कैसे हुई? शायद ये ज्यादा खर्चा करते होंगे। सही कहा, इनके पास भी एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 87 करोड़ है। लगता है सारा का सारा पैसा प्राइवेट जेट में ही खत्म कर दिया अनिल कपूर साहब ने। अगले नंबर पर है हमारे बाहुबली स्टार प्रभास, इनकी नेटवर्थ है 220 करोड़ और ये ओन करते हैं प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 92 करोड़ रुपीज है, और ये अपनी प्राइवेट जेट का इस्तेमाल मूवी की प्रमोशंस और फैमिली के साथ वेकेशंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगले नंबर पर है साउथ के स्टाइलिश सुपरस्टार मिस्टर अल्लू अर्जुन, जिनकी पर मूवी फीस 100 करोड़ तक जाती है भाई। एक मूवी के लिए 100 करोड़ यार, अल्लू भाई 10-20 करोड़ इधर पार्सल कर देते तो बहुत बढ़िया होता है यार, घर खरीद लेता मैं, भाड़े के घर में रहता हूँ यार मैं। खैर, इनकी नेटवर्थ है 460 करोड़ और ये ओन करते हैं प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 260 करोड़ है। यार इनकी नेटवर्थ 460 और इनकी प्राइवेट जेट की कीमत 260, मामला कुछ समझ में नहीं आया। खैर, डिटेल में नहीं घुसते, हम लोग को क्या पता क्या माजरा है, क्या सीन है। अगले एक्टर हैं खिलाड़ी कुमार जी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की वो मीम तो आपने देखी ही होगी, पैसा ही पैसा साले को बम से उड़ा दूं। यार इनकी नेटवर्थ है 2700 करोड़ और ये ओन करते हैं प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 180 करोड़ है। भाई ये भी अपनी प्राइवेट जेट से कहीं ना कहीं तो घूमते ही होंगे। जी हाँ, ये भी अपनी प्राइवेट जेट से अपनी फैमिली के साथ वेकेशन बनाने और अपनी प्रमोशनल और बिजनेस के लिए यूज करते हैं। अगले नंबर पर हैं साउथ के ये सुपरस्टार एक्टर, जो ब्रह्मास्त्र में हमें नंदी अस्त्र को शस्त्र बनाते हुए दिखे, ये ओन करते हैं प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 110 करोड़ है। भाई अमीरों का खानदान है, और प्राइवेट जेट ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं से साहब। और फिर आते हैं हमारे सिंघम, जिनकी नेटवर्थ 530 करोड़ है। इनके पास जेट है जिसकी कीमत 84 करोड़ रुपीज है और ये भी अपनी बिजनेस के लिए 84 करोड़ की इस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। सिंघम के बाद आते हैं हमारे नवाब सैफ अली खान। यार बहुत दिनों से इनकी काफी अच्छी मूवीज आई नहीं है, इनको हमने देखा आदि पुरुष में रावण बढ़ते हुए,
और विक्रम में एक पुलिस ऑफिसर बनते हुए। लगता है सैफ अली खान ने भी अपनी कमबैक का इंतजाम तो कर ही लिया होगा। एनीवेज इनके पास एक पटौती पैलेस करके एक हाउस है जिसकी कीमत 800 करोड़ है भाई, और ये ओन करते हैं जेट जिसकी कीमत 260 करोड़ रुपीज है। ये भी एक अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। यार हॉलीवुड में जाने के बाद तो प्रियंका चोपड़ा की बल्ले बल्ले है, खूब सारा पैसा छापा होगा प्रियंका चोपड़ा ने, जिसके चलते इनकी नेटवर्थ 600 करोड़ की बन गई है, और ये ओन करती है जेट जिसकी कीमत 120 करोड़ है भाई। बहुत बार इनको और इनकी हस्बैंड के साथ जेट में सफर करते हुए देखा है मैंने। एक्चुअली मैंने नहीं, मैंने सिर्फ फोटो देखा है यार, अब वो आसमान में उड़ने वाले को कहाँ देखूंगा। हमारे अगले एक्टर हैं साउथ के बैटिंग राजा यानी रामचरण। आरआरआर के ये सुपरस्टार की नेटवर्थ है 1600 करोड़, और ये ओन करते हैं जेट जिसकी कीमत है 260 करोड़। इसके अलावा ये ट्रू जेट एयरलाइंस कंपनी के मालिक भी हैं भाई। इतना सारा पैसा रामचरण भाई, 1-2 करोड़ मेरे अकाउंट पे भी ट्रांसफ़र करो। फिर आते हैं हमारे सल्लू भाई। पता नहीं यार, एक से एक फ्लॉप मूवी देते जा रहे हैं, फिर भी इनकी कमाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। यार सल्लू भाई माफ कर दे रहे हैं यार, लेकिन यार सल्लू भाई ओन करते हैं जेट जिसकी कीमत, यार इसकी कीमत कहीं से भी मुझे नहीं मिली, लेकिन ये ओन करते हैं जेट, और ये एक याच भी ओन करते हैं। कभी कभी आसमान से जाने का मन करता होगा और कभी कभी पानी में, इसलिए ये याच भी ओन करते हैं भाई। फिर हमारे एक्टर आते हैं अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, एवरग्रीन एक्टर, 7 करोड़। बच्चन साहब मैं तो मजाक कर रहा था यार, छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। इनकी नेटवर्थ है 3500 करोड़, और ये जेट ऑन करते हैं जिसकी कीमत 280 करोड़ है। ये देख सकते हैं इनकी फैमिली फ़ोटो, एक्चुअली अपने बेटे के साथ ही फ़ोटो है, ये इनकी फैमिली फ़ोटो है नहीं। फिर आते हैं भाई बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड पे रूल करने वाले सुपरस्टार, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक, और कोई नहीं हमारे शाहरुख खान, द किंग खान, रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पर बताया था, इनकी नेटवर्थ है 6000 करोड़ प्लस, और ये बहुत सारी लग्जरी चीज़ें ओन करते हैं, जैसे कि मुंबई में बेंड्रा में स्थित इनका घर जिसकी कीमत 250 करोड़ से ऊपर है। दुबई में ओन करते हैं पाम जुमेरा में घर जिसकी कीमत मुझे नहीं पता, आप ऑनलाइन में जाके सर्च करके देख सकते हैं। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ी ओन करते हैं भाई, और इनके पास प्राइवेट जेट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता यार। इनके पास एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 360 करोड़ है। यार आप बताना 360 करोड़ में मैं 1 लाख की कितनी आईफोन खरीद सकता हूँ।